नमस्कार दोस्तों, मारुति ने पैसेंजर व्हीकल में अपने झंडे गाड़ने के बाद अब कमर्शियल फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए हैं। उनका नया शोरूम रोहतक में खुल चुका है, मारुति सुजुकी कमर्शियल के नाम से। ये है कहाँ पर? जो आपका हिसार बाईपास पड़ता है रोहतक में, जहाँ पे होंडा शोरूम अभी सामने देख पा रहे होंगे, तो उसके ऑलमोस्ट अपोजिट पड़ता है ये। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा व्हीकल आता है कमर्शियल तौर पर मारुति के द्वारा जो पेश किया गया है। अंदर चलते हैं शोरूम के। तो आप देखिए, सुपर कैरी जो सीएनजी के साथ आती है, तो अपने श्रेणी की सबसे सक्षम गाड़ी कैसे है ये, इसको जानने की कोशिश करते हैं आज। सबसे यूनिक पॉइंट जो इस गाड़ी के बारे में है वो क्या है कि पेट्रोल के साथ सीएनजी का ड्यूअल फ्यूल कॉम्बिनेशन मिलता है आपको। इस श्रेणी में कोई भी दूसरा व्हीकल इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपको नहीं देता है। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बेहतरीन जो फायदा मिलता है वो ये है कि यदि एक्सीडेंटली आपका फ्यूल कहीं पे जो सीएनजी है खत्म हो जाती है, तो पेट्रोल के माध्यम से भी आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। जो सीएनजी सिलेंडर की क्षमता है, दो सिलेंडर इसमें लगे हुए हैं, दोनों में 6-6 केजी के आसपास की सीएनजी आप फिल करा सकते हैं, तो टोटल रहेगी आपकी 12 केजी के आसपास। और जो पेट्रोल की टंकी आती है के साथ, वो आती है 5 लीटर पेट्रोल के साथ, तो 5 लीटर पेट्रोल भी आप उसमें एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी रनिंग के दौरान। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इस प्रकार के रास्ते पे होते हैं जहाँ पे बीच में सीएनजी पंप की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे अगर रास्ते में कहीं पे आपका फ्यूल खत्म हो जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि वो मैनेजमेंट की कहाँ पे की हुई है। देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छोटे वाले जो टंकी है, ये पेट्रोल के लिए आपकी। सीएनजी के साथ जो वेरिएंट आप लेंगे उसमें आपको 5 लीटर की टंकी मिलेगी, और जो प्रॉपर पेट्रोल के साथ लेंगे उसमें आप 30 लीटर पेट्रोल को डलवा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी सीएनजी डलती है, वो भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो चलिए फ्रंट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें। बड़ा ही सोबर लुक है इसका, तो आप ये नहीं कह सकते। इस लुक का सबसे विशेष जो चीज़ होती है वो यही होती है कि लंबे समय तक ये आपको आउटडेटेड महसूस नहीं होता है। कुछ इको वाले जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसका यूज़ किया गया है इसमें। काफ़ी बढ़िया हेडलाइट रहेगी हेलोजन बल्ब के तौर पे, उसी हाउसिंग में आप देखेंगे इंडिकेटर के लिए बल्ब दिया गया है। यहाँ बैजिंग है सुपर कैरी सीएनजी की, क्योंकि ये ग्रीन फ्यूल है तो उसके लिए ग्रीन कलर में लिख रखा है। ये सुजुकी का लोगो रहेगा। नीचे नंबर प्लेट के लिए हाउसिंग है। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये टेप है जो रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करती है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है ये, दिन रात चलते हैं रोड पे, तो रात में जो लाइटों के रिफ्लेक्शन के ऊपर पड़ता है या पड़ती हो तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो एक इन्फिनिटी लाइट के तौर पे दिखाई देंगी। इससे जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो एनहांस होती है। और नीचे भी जो फॉग लैंप वाली जगह है वहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। ये रिफ्लेक्टर हैं, लाइट नहीं रहेंगी, लाइट सिर्फ आपको हेडलाइट में मिलती हैं, बाकी सब रिफ्लेक्ट टेप मिलती हैं। जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बड़ी लाजवाब है, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको, तो हर प्रकार के रास्तों पर आसानी से टैकल कर सकती है ये, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है व्हीकल को। लोड होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है अपनी श्रेणी में अगर बात करूँ मैं इस व्हीकल की, तो जिसमें टायर मिलते हैं वो 13 साइज के मिलते हैं, बाकी आप ज़्यादातर व्हीकल को देखेंगे उसमें 12 इंच के टायर मिलते हैं आपको, तो ये भी एक चीज़ इसके हक में जाती है। जो ORVM का साइज है देखिए, काफ़ी डिसेंट है, तो पीछे का भी बहुत बेहतरीन मिलेगा आपको। इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आगे आपको डबल वाइपर ब्लेड मिलते हैं, और दोनों के लिए अलग से वाटर जेट दे रखा है, तो सामने वाला शीशा क्लियर करते समय कोई परेशानी आने वाली नहीं आपको, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं आपको अलग अलग एरिया में, तो कई बार क्या होता है आपको फॉगी सीजन का सामना करना पड़ता है, कई बार धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो सामने वाले शीशे को साफ करते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। साइड में भी जो डोर है सीएनजी की, वहां भी बैजिंग की गई है। आगे आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलता है, और पीछे मिलेगा आपको ली स्प्रिंग, तो इसमें सस्पेंशन भी थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है। आमतौर पे आप कमर्शियल व्हीकल में देखते हैं कि आगे पीछे दोनों तरफ ली स्प्रिंग का ही सिस्टम मिलता है, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया अलग मिले आपको अलग चीजें मिलेंगी। पीछे जो आपके लोड रखने वाली जगह है, जो डेक है, वो भी बहुत बेहतरीन है, कार्गो डेक जिसे बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो आप स्पेस देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कितना बेहतरीन स्पेस मिलता है कार्गो रखने के लिए। ये भी एक चीज़ है, देखिए मारुति ने जो समय लिया है इस फील्ड में उतरने में, वो पूरे तरीके से आपको लगेगा कि उन्होंने जो स्टडी किया है मार्केट को बेहतरीन तरीके से किया है, और जो जो भी दूसरी कंपनियों में कह सकते हैं आप कुछ कमी बची हुई थी वो पूरे तरीके से कम करके या बेहतर करके उन चीज़ों को ये गाड़ी पेश की हमारे सामने। सबसे जो अच्छी बात है, जो मारुति का नाम जब भी आप लेते हैं तो रिलायबिलिटी सबसे पहले जहन में आती है, वही चीज़ इस गाड़ी के साथ भी मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें वही इंजन आता है आपका जो मारुति कार्स में पहले ही होता था, अब तो खैर उसमें ड्यूअल जेट इंजन आने लग गया है। 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन आता है,
72 bhp की पावर बनाता है वो पेट्रोल इंजन के साथ, और जब CNG के साथ आप इसको परचेज करेंगे तो 64 bhp आसपास की आपको पावर मिलेगी। CNG फ्यूल के साथ जो पावर है थोड़ी सी कम इसलिए मिलती है 10% के आसपास, क्योंकि CNG की आपकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। इस पर भी कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे जब आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे चीज़ों को। पीछे रुक करते हैं, देखिए मारुति सुजुकी की बैजिंग है, कैरी लिख रखा है बीच में बड़ा बड़ा, CNG की बैजिंग रहेगी। ये इसकी टेल लाइटें हैं जिसमें आप ब्रेक दबाएंगे जब जलेंगी, कुछ हेडलाइट के साथ ऑन होती हैं, इंडिकेटर के लिए बल्ब रहेगा, रिवर्स गियर के लिए रहेगा, पूरा सेटअप आपको मिलेगा हैलोजन बल्ब के तौर पे ही। जो स्पेयर व्हील है वो अंडर द बॉडी दिया गया है, इस नट को यहाँ से लूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट रहेगा। जो ये चीज़ें दे रखी हैं इसकी जो फंक्शनिंग है ये भी अल्ट्रा लाइट है दोस्तों, आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी एक्सेस करने में। देखिए बड़ी आसानी से मैंने दोनों को ओपन कर दिया है, आप देखिए बड़े आसानी से नीचे आ जाता है, कोई समस्या नहीं होगी आपको किसी प्रकार की भी। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है। तो कई बार क्या होता है जो कार्गो हम लोड करते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है कार्गो डेक एरिया से, तो उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ जाता है, तो उस समय भी ये जो है कमज़ोर साबित नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। जो एमरोन की इसमें बैटरी लगी हुई है वो हालांकि पूरे तरीके से एक्सपोज है, ज़्यादा कवरिंग वगैरह नहीं की गई है उसकी, अगर ये लोकेबल होती तो थोड़ा सा और एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता ओनर को कि उसको चोरी होने की संभावना कम हो जाती। नेवर्थलेस कंपनी को सोच समझ की चीज़ें देती है। एक तो ये ओपन होने के बाद प्रॉपर अच्छी बात ये है कि इसकी में जाती है कि इसको कूल रहने में बड़ी आसानी रहेगी, हवा ज़्यादा लगेगी, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ओपन होने में, अगर कवर की जाती तो थोड़ा सरफेस एरिया कम मिलता है इसको, तो ओवर हीट होने की संभावना कई बार बनती हैं, तो उसी का समाधान भी किया गया है कंपनी के द्वारा इंटेलिजेंटली। देखिए सिलेंडर आपको यहाँ मिलता है, जैसे मैंने बताया कि दो दो सिलेंडर मिलते हैं साइड बाय साइड, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। अब गाड़ी के अंदर देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। यहाँ एक चीज़ और दिखा दूँ, ये एयर इनटेक के लिए रहेगा, ब्लैक का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, पीछे काफ़ी बेहतरीन एक ग्लास दे रखा है, पीछे आप कार्बन डाइ एरिया वगैरह को या रिवर्स करते समय चीज़ों को देख सकते हैं। दोनों ही जो विंडो हैं वो मैनुअली रोल डाउन करनी पड़ेंगे आपको, मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी 80 km/h। बड़ा सिंपलिस्टिक सा इंटीरियर है इसका, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है वो बहुत बेहतरीन है, अच्छा रिच फील होता है वो। विनाइल की सीटें मिलेंगी आपको, तीन बंदे भी एडजस्टमेंट के साथ यहाँ बैठ सकते हैं, सीटें काफ़ी ब्रॉड हैं, ये चीज़ भी अच्छी इंजीनियरिंग की गई है इसमें। यहाँ एक कप होल्डर मिलता है आपको, 5-speed का गेयरबॉक्स मिलता है, ये भी एक चीज़ है जो अलग है बाकी सभी व्हीकल से कि इसमें 5+1 गियर बॉक्स मिलता है आपको, 5-speed के लिए आगे रहेगा, एक रिवर्स गियर रहेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा। ये जो एरिया है ये लोकेबल है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने में आपको संकोच नहीं होगा बिल्कुल भी, आप लॉक कर सकते हैं उसको, जो नॉर्मल की आपकी गाड़ी के साथ आती है वही यहाँ पे लगेगी। ये ग्रैबिंग हैंडल दे रखा है, बैठते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्राइवर साइड और चलते हैं, वहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। अंदर बैठते हैं गाड़ी के। अब जो गाड़ी की हाइट है वो बड़ी शानदार है, काफी कमांडिंग व्यू में बैठते हैं आप अच्छा खासा, हालांकि आगे जो बोनेट है वो नहीं होता है इस टाइप के व्हीकल में, तो वैसे भी रोड का जो व्यू है बहुत शानदार मिलता है आपको, और अगर सीट ऊंची हो तो सोने पे सुहागे वाली बात है दोस्तों, बिल्कुल वैसी चीजें मिलती हैं। आपको दिखाता हूँ जो इंटीरियर है कैसा रहेगा, बिल्कुल बेसिक स्पीडोमीटर मिलता है, उसमें आपको डिजिटल MID दी गई है जो आपके CNG फ्यूल को और पेट्रोल को अलग अलग से दर्शाएगी कि कितना बचा हुआ है वो। एक फ्लाई बटन मिलता है ये वाला, जो डेडिकेटेड आप पेट्रोल से CNG के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं या CNG से पेट्रोल के ऊपर, तो ईज ऑफ यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है इसमें। यहाँ से आप हेडलाइट को लेवल कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा डाई के साथ आपका स्टेयरिंग व्हील आता है, तो जो टर्निंग वगैरह लेने में आपको किसी प्रकार की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो सेगमेंट के हिसाब से डिसेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आसानी से टर्न ले सकती है टाइट स्पेस में भी। जो IRVM है वो मैनुअली आपको डे नाइट में कन्वर्ट करना होगा हाथ से, टॉगल वगैरह नहीं दे रखा है इसमें। यहाँ एक हैलोजन लाइट मिलती है, एक ही आपको सनवाइजर मिलेगा सिर्फ ड्राइवर साइड, और उस पर किसी प्रकार की कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ एक 12-volt का सॉकेट दे रखा है, क्योंकि आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं तो उसको डिस्चार्ज होने से समस्या होती है, वो उससे जूझना नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ चार्जर लग जाएगा आपका। म्यूजिक सिस्टम अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ कटआउट दे रखा है, यहाँ पे लग सकता है वो।
यहाँ कुछ स्पेस वगैरह दे रखा है आपको डेप्थ के तौर पे, तो जो सामान आप रखेंगे वो दाएं बाएं नहीं जाएगा मूव करते समय। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से और इंटेलिजेंटली इस गाड़ी को तैयार किया गया है मारुति के द्वारा, और सेगमेंट के लिए बहुत बेहतरीन या जबरदस्त कंपटीशन ऑफर करने वाली है गाड़ी। इस गाड़ी में जो सबसे यूनिक पॉइंट है वो मैंने बताने की कोशिश की आपको कि एक तो इसमें 4 सिलेंडर का इंजन आता है जो अल्ट्रा रिफाइंड है, साथ में CNG विद पेट्रोल का एक लौता ऑप्शन है ये सेगमेंट में, और 5-speed गेयरबॉक्स के साथ आता है। ये जो चीज़ें हैं वो USP हैं। इसका जो पेलोड है वो है 625 kg, 625 kg के आसपास का पेलोड है, तो जो क्षमता है कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की वो भी ठीक ठाक है सेगमेंट के हिसाब से। इसमें जो CNG डलने की जगह है दोस्तों वो लोकेबल दे रखी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अटेंशन टू डिटेल है, देखिए कितने आला दर्जे की गई है, क्योंकि जो CNG होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल फ्यूल है, तो उसको सेफ्टी उसकी रखनी बहुत बेहतरीन एक कवायद की बात होती है, तो कंपनी ने उस चीज़ को बेहतर तरीके से मेंटेन किया है। यहाँ पर आपको CNG फिल कर सकते हैं, ये प्रॉपर आपका लोकेबल है, और जो पेट्रोल डलने की जगह है वो आपकी नॉर्मल टैप के साथ दे रखी है, क्योंकि इसमें छोटी टंकी है तो बहुत ज़्यादा कंपनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इस कैबिन में कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है इसमें देखिए कैबिन के अंदर गर्मी वगैरह काफ़ी बन जाती है, क्योंकि जो इंजन है सीटों के नीचे है वो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो कूलिंग का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये इसमें आता नहीं, ये आप देख रहे हैं ये वेंट्स हैं, तो आपकी जो फ्रंट ग्रिल है उसमें होती हुई हवा आपकी यहाँ से आ सकती है अंदर की तरफ, और ये देखिए क्लोज भी कर सकते हैं आप नीचे के हिसाब से, क्योंकि सर्दियों के मौसम में तो ऑब्वियसली बात आपको एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एक कटआउट दे रखा है, देखिए एयर यहाँ से अंदर जाती है आपकी, और वो आती कहाँ से है, यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तरफ से ऐसे कटआउट है ये, तो यहाँ से आ सकती है, क्योंकि जब बारिश वगैरह आती होगी तो शीशे तो आप नीचे की तरफ नहीं कर सकते हैं ना, तो यहीं से जो हवा आएगी उसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं इंजन की, क्योंकि इंजन में जो ऑयल वगैरह है या कूलेंट जो डलता है वाटर के माध्यम से वो भी आपको चेक करना पड़ता है निरंतर, तो चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ से तो आप इंजन ऑयल को चेक कर सकते हैं, और जो रेडिएटर के लिए है कूलेंट वो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। जो दोनों ही सीटें हैं वो बहुत आसानी से लिफ्ट हो जाती हैं, जैसे हमने कर रखी हैं आपके लिए, यहाँ पर ये लॉक होता है आपको खोल के आसानी से कर सकते हैं उसको। यहाँ पर आपका वाइपर वाशर के लिए वाटर डलता है, और दूसरी तरफ जो ब्रेक ऑयल है वो भी दिखा देता हूँ लगे हाथ आपको कि वो कैसे डलता है। यहाँ पर आपका ये सिस्टम डलता है देखिए, तो आसानी से आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियर्ड व्हीकल है ये, काफ़ी आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी इस गाड़ी की, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमर्शियल व्हीकल आप इस सेगमेंट में यदि कोई कंसिडर करना चाहते हैं तो शोरूम पर आके इसको जरूर देखें, काफ़ी बेहतरीन शोरूम बनाया गया है, ये एक हब है यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल की, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा व्हीकल आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत लाजवाब प्रोडक्ट तैयार किया है मारुति ने ये। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।